खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब। कोटे में भी कर्फ्यू के साथ सख्ती की जाएगी। अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलने पर भी पाबंदी है। पुलिस अधिकारियों का बयान, आवश्यक कार्य से बढ़कर मानव जीवन की रक्षा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कोटे में अब कर्फ्यू के साथ सख्ती। अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलने पर भी पाबंदी। पुलिस अधिकारियों का बयान, आवश्यक कार्य से बढ़कर मानव जीवन की रक्षा। ऐसे में लोग करें पुलिस का सहयोग। आज परकोटे में तैनात है पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता। नाकाबंदी पॉइंट्स पर रोका जा रहा हर व्यक्ति और वाहन। परकोटे के अंदर आने और जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं जहां परकोटे के अंदर जाने और आने से पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। कर्फ्यू के साथ सख्ती। लगातार राज्य में देखिए इस तरह की खबरें सामने आ रही थी जहां पर मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि अक्सर उन्हें हमने ये कहते हुए सुना है कि मानव जीवन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी मानव जीवन की रक्षा करनी अभी जरूरी है, इसलिए कुछ सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। और ऐसे में देखिए जगह जगह पर प्रशासन सख्त कदम उठाते हुए। और आज परकोटे में तैनात है पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता। नाकाबंदी पॉइंट पर रोका जा रहा है हर व्यक्ति और वाहन को। और परकोटे के अंदर आने और बाहर जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी। तो अब देखना यह होगा कि इस कर्फ्यू के साथ जो सख्ती बरती जा रही है उसमें पुलिस का सहयोग कितना आम जनता करती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार आप सभी से यही अपील कर रहा है कि घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, तभी आप इस महामारी को मात दे सकते हैं। तो आज परकोटे में तैनात है पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता। नाकाबंदी पॉइंट्स पर रोका जा रहा है हर व्यक्ति और वाहन। और सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सत्यनारायण, परकोटे के अंदर आने और बाहर जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले में? बिल्कुल खुशबू, देखिए इसके लिए मीडिया कर्मियों के लिए जरूरी है, मेडिकल वालों को जरूरी है कि जो लोग परकोटे में रहते हैं वो बाहर न जाएं। पहले हिदायत दी गई थी लेकिन हिदायत को जो वहाँ के लोग हैं वो मान नहीं रहे थे। ऐसे में अब सख्ती बरती गई है क्योंकि सबसे अधिक जो कोरोना का वायरस है वो परकोटे के तांगों में फैला हुआ है। तो पुलिस मान रही है कि जो व्यक्ति यहाँ पर रहता है वो अगर बाहर रहता है तो बाहर भी लोगों को संक्रमित करेगा, और शायद इसीलिए तमाम परकोटे की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई है। महाकर्फ्यू बने रही है। सत्यनारायण आप हमारे साथ, जोगाराम जिला कलेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। परकोटे में सर अब अति आवश्यक कार्य के लिए भी लोग नहीं निकल पाएंगे, जो कर्फ्यू है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या वजह आ गई सर और इससे क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं? जी धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हो कि चार दीवारी क्षेत्र में पूरा कर्फ्यू लगा गया है, उसको इफेक्टिव तरीके से लागू करना बहुत बड़ी आवश्यकता इस समय महसूस की गई है। काफी केसेज जो इस क्षेत्र से आएंगे, विशेष रूप से रामगंज थाना क्षेत्र से, उसके लिए सख्ती की आवश्यकता थी। और सभी लोगों से भी ये हमने अपील की है कि आप जो जरूरी काम ना हो तब तक आप अननेसेसरी आप बाहर ना निकले। बिल्कुल सर, तो क्या लगता है आपको ये करने से कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी कंट्रोल में आएंगी, लोग समझेंगे इसको? बिल्कुल, पहले तो यही आह्वान किया गया है कि लोग घर से बाहर ना निकले, पूरे जिले के लिए, पूरे स्टेट के लिए आह्वान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी निकलते हैं तो जरूर सख्ती की आवश्यकता होगी और हम सख्ती करेंगे। सर आपने अतिरिक्त जो फोर्स है वो भी लगाई है जगह जगह पर? हाँ बिल्कुल, फोर्स भी अलग अलग जगह पर लगाई गई है, बैरिकेडिंग भी की गई है, सैनिटाइजेशन और मेडिकल टीमों के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो तो लगातार चल ही रहा है। इसके अलावा इस सख्ती की भी बहुत आवश्यकता है जिसको हम लागू कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपने जैसा ये कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है तभी निकलना है, अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो वो प्रशासन से किस प्रकार से कॉन्टेक्ट कर सकता है? आप लोग सर सुविधा कैसे मुहैया कराएंगे घर तक लोगों को? देखिए विभिन्न तरह की जो सेवाएं हैं उनके लिए हमने अलग अलग वार्डों में अलग अलग क्षेत्रों में होम टू होम डिलीवरी के लिए मैकेनिज्म बना रखा है। सरकारी सिस्टम, सरकारी कार्मिक उसमें लगे हुए हैं, चाहे फल सब्जी की बात हो या दूध की बात हो या किराने की सामान की हो, तो होम टू होम डिलीवरी हम करवा रहे हैं। इसके अलावा भी किसी को दिक्कत हो तो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर है, थाने के नंबर है और ब्लॉक वाइज हमने अधिकारी लगा रखे हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। सर ये आगे भी रहेगा या सिर्फ ये आज के लिए कर रहे हैं आप लोग, एक देखने के लिए कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है, या फिर ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए अभी तो ये कंटिन्यू रहेगा लगातार जब तक कि सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जोगाराम जिला कलेक्टर हमारे साथ जुड़े थे, जिनका ये कहना है कि अगर आपको ऐसी कोई जरूरी चीज चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रही है, बहुत जरूरी काम है, तो आप जो नंबर्स दिए गए हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, सुविधा आपके घर पे पहुंचेगी। और सत्यनारायण भी हमारे सहयोगी
हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम जानकारी दे रहे थे। हमें बता रहे थे कि किस तरह से अब अंदर आने और बाहर जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, लगातार ये लगी रहेगी। तो लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है कि आप अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।